गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो गाइस अभी मैं सुबह सुबह के 9 बजे साढ़े नौ और मैं निकल रहा हूँ फिर से पहाड़ों पे, क्योंकि बहुत पसंद है मुझे पहाड़ एंड माउंटेन्स आर लिटरली लव। और बस निकल रहा हूँ घर से और फॉग बहुत ज़्यादा है आज, एंड होपफुली देखते हैं आराम आराम से जाएंगे। थोड़ा तो 2-3 लोग और लेने हैं मैंने, सबको लेके फिर सीधा निकलता हूँ पहाड़ की तरफ। भाई साहब फॉग तो हो रहा है, मतलब हल्द्वानी तो धूप निकल रही है। लेट्स सी क्या मौसम होता है वहाँ पे और ऊपर की तरफ क्या मौसम होता है। मैं तो वैसे फुल पैक होके जा रहा हूँ, रिस्क क्यों लेना हो रहा भैया, चल रहे हैं सीधा। तो हल्द्वानी रास्ते पे टांडा साइड तो बड़ी तगड़ी धूप निकली हुई है, तो आज नैनीताल का मौसम देखते हैं, शायद वहीं जाएंगे। Let's see. So, finally, नैनीताल के लिए निकल चुके हैं और मौसम धूप निकली है बड़ी तगड़ी एंड कोई दिक्कत नहीं है। मम्मी डर रही थी, कह रही कोहरा हो रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। हमारे साथ रोहित भाई ने भी ज्वाइन कर लिया है, हम भी आए हैं भाई। और जब से ये बैठी है मेरी गाड़ी भारी चल रही है, पीछे बैठी हुई है कोई बात नहीं, लेकिन ले जाना, एंटरटेनमेंट तो पीछे ही है। चलो चलते हैं, आज बड़े दिन हो गए इसको, इसके साथ भी नहीं घूमे थे। नहीं, भयंकर आग लगी हुई है भाई साहब, देखना पहाड़ों में खतरनाक आग लगा रखी है। बस थोड़ी सी दूर रह गया, 10-12 किलोमीटर जो होगा वहां पहुंच के आपको दिखाते हैं हम। हाँ, जन्नत जन्नत तो है ही है भाई, नैनीताल जितनी मर्जी बार आ जाओ बंदा बोर नहीं होता। दूसरी बार आ रहा हूँ इतने दिनों में। अब तो फॉरेनर्स कम दिखने लग गया, अदरवाइज कितना सबूत। क्या खा रही है? इसमें तरी डाल दियो शायद। कुछ भी नहीं। क्या खा रही है? बकरा। सिर्फ चावल। भाई सिर्फ चावल दे, तरी इसमें बहुत है यार। बकरी। बकरी। भाई नहीं, बकरी नहीं है। इसमें डाल देना भाई। अग्नि के लिए। अरे तुम भाई तो प्लेट तो है। बस ठीक तो होगा। चल ठीक है। चम्मच हिला। चल ठीक है, खा लेते हैं। सो गाइस अभी नैनीताल पहुंच चुके हैं और यहाँ भी बुरा हाल है यार। बुरा हाल मतलब धूप है जो हम नहीं चाह रहे थे, गंदी धूप है यहाँ पे। जैकेट उतारनी पड़ेगी, लेकिन भीड़ मुझे लग रही है अभी भी लोग हैं यहाँ पे काफ़ी। तो चलते अंदर देखते क्या सीन है। सर एंड 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 धूप बहुत तेज है भैया, भीड़ भी कम है। अरे यार पार्किंग है ही नहीं यहाँ पे, अभी भी इतना फुल चल रहा है क्या? पार्किंग नहीं है, फुल चल रहा है, बंद कर दिया, ऊपर जाना पड़ेगा। लगा दे, जाना हमको यही फेंक दो कोने में। यहीं उतर जा, तुरंत उतर जा, खाली पड़ा है, फुल पड़ा हुआ यार, देखो यार। तो चल रहे हैं पार्किंग पे, गाड़ी खड़ी कर दी है, नीचे की तरफ जा रहे हैं। ठंडा तो हो रहा है मौसम भाई, ऊपर है ना ठंडा हो गया। देखो विराट कोहली वहां पे जा रहा है, ऑटोग्राफ लेके आके निशु यार, वो देखो खेल रहा, वो देख विराट कोहली देख ऐसे से कर रहा, देख 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 नीचे नीचे देखिए देखिए, मारेगा शॉट विराट कोहली, मारेगा शॉट अभी देख। अरे बच गया विराट कोहली के दांत, विराट कोहली के दांत बच गए, दांत बच गए विराट कोहली के। रोहित भाई क्या ले रहे हो? आइसक्रीम। ठंड में आइसक्रीम का मजा। कौन लेना, कौन ले ले? ना ना यही सही है, जय सही है, जय एक ही बन भाई है। नहीं तुम्हें जो लेना ले लो ना, बनाओ बनाओ, लेनी है वो लेना है। सब चाटते हुए आइसक्रीम, सॉरी सॉफ्टी उसकी हो रही है। चाटा तो नहीं है, खाया है। चाट रही थी ऐसे 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 कर रही थी। मैंने नहीं करा एक बार भी ऐसे, करा अभी मतलब अभी तो मैंने वीडियो ऑन करी है कसम से, जबरदस्ती। हाँ झूठ बोल रहा हूँ, बता यार किंचु ले ले तेरे को घुमाने के लिए। छोटा है थोड़ा सा। छोटा है आंटी, इसमें बड़ा है आंटी भी बड़ी देख लो आंटी, बड़ा है, किराया ज्यादा ले लेना, इसको घुमाना है, थक गई बेचारी। तो देख तेरे कंधे किस दिन काम आएंगे? अबे मेरे कंधे नहीं तुड़वाने मेरे को, ये देख रहे हो रील बनाने में लगी पड़ी है। कौन सी वाली बनाई है रील? कौन सी रील? झाड़ू अपने पति से कैसे लगवा? सही है। हेलो गूगल, बिना हाथ लगाए झाड़ू कैसे लगाए? अच्छा अपने पति से लगवाए। अच्छा अपने पति से लगवाए। हाँ भी रोहित झाड़ू लगाओ चलो। किंशु ने मुझे बताया दो व्लॉगर आए हुए हैं यहाँ पे, दो लड़कियाँ हैं, दो लड़कियाँ ना, कौन कौन क्या नाम था?
जिन्होंने पायल एंड यशविका दोनों ने आपस में शादी करी है, और मेरे को जहाँ दो लड़कियाँ दिख रही है ना, मैं सोच रहा हूँ वही है। मैं बार बार पूछ रहा हूँ यही है। अब ये लग रही है मुझे, नहीं आंटी है तो मैं तलाश में हूँ वो दो ब्लॉगर्स की, देखते हैं कहाँ है वो लोग। भाई साहब सच बताऊँ बोर हो गया मैं तो निंदा ला आगे, लेकिन ये बंदी है ना ये, इसके वजह से आना पड़ा मुझे। बोर हो रहा? अरे यार क्या है यार, कुछ भी नहीं है यार। दिखाऊं तुझे यहां क्या मैं? हां इसका मुजरा करके दिखाऊं तुझे? देख ले बाकी मेरी मर्जी है। नोट लूटेंगे तो कर, नोट लूटेंगे। अरे मार्केट नहीं लगी है ना, फिका फिका सा हो रहा है। मार्केट नहीं लगी है, कुछ भी नहीं लगी है यार यहां पे। थैंक यू। अरे इधर और देख के चले जा रहे हैं यार। तू क्या वीडियो बना रही है? वही गुरु वही गुरु भाई, ठंडा हो गया मौसम। और वाली रोड में खाली भी रहती है, भयंकर ठंडा, भयंकर ठंडा हो गया भाई। इतने लंबे मोजे तेरी, इसको पहनने में 3 दिन लग जाएंगे। मोमो बोल दिए क्योंकि नॉन वेज आज बनता नहीं है, आज वेज मोमो, वेज मोमो दो फुल पैक हो रहे हैं हमारे। क्राउड देख रहे हो मोमो खाने वालों के। क्या कह रही है? यहाँ पे तो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है भैया के संग। भैया के संग पार्टनरशिप। लेकिन मैं यार स्कूल में हूँ ना यार, थोड़ा सा कितने रूपए लेता है? 200 रूपए। तो तू भैया के संग कोलैबोरेशन कर ले, कोलैबोरेट करके आधा बढ़िया बना दो, ये भी बनाता है ना। मैं थोड़ा बड़ी इंसान को चुड़ैल बना देता, फर्क इतना ही है। जैसे तेरे को बनाया मैंने, मेरा एक बार इसने बनाया था, याद है तुझे मेट्रोपॉलिस में चश्मे वाला? हाँ एकदम फ्री हैंड बनाया था वो। सो पार्किंग पे आ गया हूँ भाई, मैंने किसी से लिफ्ट ली है क्योंकि बहुत ऊपर था, ठंडा पड़ गया लिफ्ट लेते ही। मैं इतनी ठंड लग रही है, बहुत तेज बाइक चला रहा था भाई, तो अपनी गाड़ी खड़ी है यहाँ पे पार्किंग में। सो भैया पार्किंग पे आ गया मैं, किसी से लिफ्ट लेके गाड़ी निकालते हैं, चलते हैं घर की तरफ। सो गाइस अभी नीचे की तरफ जा रहा हूँ उनको लेने के लिए, और वो वहीं नीचे मॉल रोड पे हैं, और मौसम हो गया ठंडा तो टाइम से निकलेंगे घर की तरफ। भीड़ ज़्यादा नहीं थी नैनीताल में आज, सही था, नॉर्मल था। तो हम लोग निकल चुके हैं नैनीताल से और दूसरे रास्ते से जा रहे हैं। कौन से वाले रास्ते जा रहे हैं भाई? हमें नहीं पता यार, ऐसे मत कर यार। व्यू अच्छा है, व्यू अच्छा है, लेकिन रास्ता तो पता लगे। सबसे बढ़िया व्यू मिला हमें, वाह भाई वाह, गजब गजब व्यू यार। इसकी एक फोटो लेनी पड़ेगी। चुने अपने प्यारे दोस्त को बुला लिया है, ऊपर आ, सो क्यूट, यहां आ, यहां देखना यार ये क्या हुआ। दोस्त मिल गया किंचू का, सो क्यूट यार, बस खुश और किस दिन एक दो तीन किया और तीनों ब्लैक किया जंक्शन यहाँ पे हमने बना दिया अपना। देखिए भाई किया जंक्शन हमने बना दिया है, रुद्रपुर से नीचे ही है। किया जंक्शन यूपी कहाँ से? अब कानपुर। ओ बाप रे, तीन गाड़ी किया की खड़ी है, कानपुर से आए लोग घूमने। पहुँच गए हल्द्वानी और यहाँ खाना खाएंगे अतिथि पे। भाई थक गया मैं तो आज यार, डेली ट्रैवल कर करके। चलो भैया खाना खाते हैं अंदर जाके, अच्छे हम दाल और पनीर हम खा रहे हैं, कितने अच्छे। और जो सुबह से टांगे खा रहे हैं उसका कुछ नहीं? टांगे नहीं खाई हमने, दाल और पनीर, साथ में सरीके का प्याज और बटर, मजा ही आ जाएगा आज तक। दिल खुश गर्मा गर्म। सर सर अब उनको भी दो सब्जी है तो दो टकोरी चाहिए ना? नहीं अरे यार इसको साइड में रख लेना, टकोरी दाल के लिए, उनसे भी ठंड में इतना महंगी चीज ले आए आप। सबसे महंगी चीज बिल क्या है? हल्द्वानी से और अब चलेंगे सीधा घर क्योंकि आ रही है बहुत तेज नींद। रुद्रपुर आते ही भाई साहब कोहरा मिल गया,
सही सही गोरा हो रहे हैं अभी। कोरा गजब का कोरा मिल गया भाई साहब। घर वापसी जाते समय रोहित भाई को छोड़ने गया था, गजब का कोरा मिल गया। सो फाइनली गाइस घर पहुंच गया हूँ एंड बहुत ज़्यादा थक गया, हेक्टिक हो गया आज भी। कल बस गाड़ी की सर्विस कराने जानी है और आज मैं यहीं पर ही ब्लॉग को एंड करता हूँ एंड मिलते हैं अगले जबरदस्त ब्लॉग के साथ। सो बने रहिए ऐसे मेरे साथ, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद।